बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री एंड जनरेशन। चैप्टर नंबर 1 में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री और कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 6, काउंटिंग हिस्ट्री। जी, हमारी जो चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पेज नंबर 6 से, काउंटिंग हिस्ट्री। काउंटिंग हिस्ट्री के जब दुनिया वजूद में आई तो इंसान को बहुत से प्रॉब्लम जो थी उनका सामना था। उनमें से सबसे बड़ा मसला क्या था? चीज़ों को गिनना। शुरू शुरू में तो इंसान ने क्या किया, जब कायनात बनी तो उसने चीज़ों को फिंगर टिप्स पर, यानी उंगलियों के पोरों पर जो था वो काउंट करना स्टार्ट किया। लेकिन जब काउंटिंग ज़्यादा होती थी, वो नहीं गिन पाता था फिंगर टिप्स पर, तो उसने क्या किया, फिर उसने बीड्स की मदद से वो काउंट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इंसान ने फिर क्या है, कैलकुलेटिंग डिवाइस, गिनने वाले आले जो थे वो बना लिए, ताकि वो रियाजी के मसाइल जो हैं उनको हल कर सके, और फिर वो उनसे फ़ायदा उठाता गया। मौजूदा दौर में जो इंसान ने बहुत ही तेज़ी से गिनने वाला एक आला बना लिया, जिसको कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर क्या है? दरअसल एक कैलकुलेटर की एडवांस शेप है। ये जब कैलकुलेटर को जो एडवांस से एडवांस जब करते गए, तो वो क्या, कौन सी शक्ल इख्तियार कर गया? कंप्यूटर की। द मैन डिड नॉट, अच्छा, उसके बाद क्या, जो मौजूदा दौर का कंप्यूटर है, इसमें इंसान एकदम से नहीं पहुंच गया, बल्कि उसको बहुत सा वक्त, बहुत से साल और बहुत सी कोशिश और बहुत सा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ा। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इंसान ने जब गिनती शुरू की फिंगर टिप्स पर, उसके बाद मोतियों की मदद से, तो उसके बाद जो उसने डिवाइसेस बनाने शुरू की, तो जो सबसे पहली डिवाइस थी चीज़ों को गिनने के लिए, वो कौन सी थी? एबाकस। जी, एबाकस जो थी, ये तकरीबन 3000 साल पहले चाइना में ईजाद हुई। ये एक लकड़ी का फ्रेम था, ये ऐसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, लकड़ी का फ्रेम था, और इसके अंदर 12 सलाखें होती थी, ऊपर से नीचे 12 सलाखें होती थी, और दरमियान में एक तिरछी क्रॉस बार, ये क्या होती थी, एक क्रॉस बार होती जो इन सलाखों को दो हिस्सों में, अपर और लोअर पार्ट्स में डिवाइड करती थी। तमाम सलाखों के अपर पार्ट्स में दो मोती और लोअर पार्ट्स में 5-5 मोती होते थे, अपर में 2 और लोअर में 5 बीड्स होते थे। इन तमाम मोतियों को क्या किया जाता था, एक ख़ास ऑर्डर में क्या किया जाता था, हिसाब किताब की दुश्वारियों को हल करने के लिए ये तमाम बिलाई और निचले जो मोती होते थे उनको सलाखों के साथ एक ख़ास तरतीब में मुंतकिल किया जाता था। यानी जैसे कि नज़र आ रहे हैं 5 बीड्स थे, जब कोई चीज़ को काउंट किया तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 के 5 बीड्स जो होते थे उनको ऊपर कर दिया जाता था। जब जब 5 ऊपर हो जाते थे, तो यहाँ से ऊपर 1 कर दिया जाता था, और ये एक बीड 5 के, एक बीड जो था, मोती जो था, वो 5 बीड्स के बराबर था, तो फिर ये नीचे गिरा दिए जाते हैं। दोबारा से फिर काउंटिंग स्टार्ट कर दी जाती है, जब 5ों के 5 बीड्स ऊपर चले जाते हैं, तो दोबारा से नीचे वाला मोती भी ऊपर कर दिया जाता है। जब ये दोनों ऊपर चले जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट जो रॉड थी वहाँ से एक बीड जो था वो ऊपर कर दिया जाता था। यहाँ का एक बीड जो था वो 10 के इक्वल था, यहाँ का 100, यहाँ का 1000, इस तरह से वो काउंटिंग जो थी वो होती थी। ठीक है, उसके बाद है नेपियर रॉड्स। इन 1617 में एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन, यानी स्कॉटिश का रियाजीदान जो था, उसने एक हाथ से, यानी दस्ती हिसाब किताब करने वाला आला जो था वो ईजाद किया, जिसको नेपियर रॉड कहा जाता है। नेपियर रॉड जो थी, ये भी तकरीबन एबाकस की तरह ही थी, लेकिन इसके अंदर 12 रॉड्स होती थी, इसके अंदर 22 रॉड्स होती थी। दूसरा डिफरेंस ये था कि इसके अंदर जो थे वो बीड्स इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन इन रॉड्स के ऊपर डिजिट लिखे हुए होते थे 1-9। और ये जो डिवाइस थी नेपियर रॉड, ये ख़ास तौर पर मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होती थी। ठीक है, तो हमारी पेज नंबर 6 जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें आपने जो लर्न करना है वो जस्ट एबाकस और नेपियर रॉड, काउंटिंग हिस्ट्री है, जस्ट आपने रीड आउट करना है, इसको ज़ुबान जो है वो लर्न नहीं करना। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।